तो टेलीग्राम की दूसरी वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी मेरी, जिसमें मैंने आप लोगों को टेलीग्राम का चैनल प्लस ग्रुप क्रिएट करना बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि चैनल और ग्रुप को कैसे मर्ज कर सकते हो कि जो भी चीज़ आप चैनल में भेजो वो ग्रुप में भी ऑटोमेट हो जाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो ये देख सकते हैं, आई बटन के ऊपर वीडियो आ रही है, जाके देख लीजिए, ओके। तो आज हम लोग पिछली वाली वीडियो के ही बस आगे का प्रोसेस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ क्रिएट करवा दिया था, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एक अच्छे से बॉट को अपने ग्रुप के अंदर लगा सकते हैं ताकि सारे काम को वो खुद से मैनेज करना सीख ले, ओके। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं लेने वाला हूँ ग्रुप हेल्प बॉट की मदद। आगे हम लोग देखेंगे रोज बॉट को भी, और भी मैं बहुत सारे बॉट्स के बारे में आपको बताऊँगा, वो भी इन डिटेल में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि मेरे पास एक ग्रुप है, और ये ग्रुप अभी ये प्राइवेट टाइप का ग्रुप है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि प्राइवेट ग्रुप और पब्लिक ग्रुप में क्या अंतर होता है, अगर आप लोगों को याद नहीं तो मैं फिर से बता देता हूँ। प्राइवेट ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जिनको आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब किसी भी ग्रुप के ओनर ने या फिर ग्रुप के एडमिन ने वो ग्रुप की लिंक आपको भेजी हो। अगर ग्रुप की लिंक आपके पास है तभी ग्रुप को एक्सेस कर पाओगे। टेलीग्राम के सर्च रिजल्ट्स में प्राइवेट ग्रुप आपको नहीं मिलेंगे। पब्लिक ग्रुप जो होंगे वो आप लोग ग्रुप के नेम को डाल करके सर्च में पब्लिक ग्रुप में भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मेरा अभी प्राइवेट ग्रुप यहाँ पे दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ पे ऐसे टैप करना है, और ये देख सकते हैं एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर ऐसे टैप करिए। अभी यहाँ पे अगर आपको इस जगह पे देखने को कुछ मिलेगा ग्रुप टाइप, ठीक है। यहाँ ग्रुप टाइप पे आपको क्या कर देना है, इसको सबसे पहले पब्लिक ग्रुप। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इस ग्रुप को पब्लिक कर दिया है, और यहाँ पे पब्लिक करने के बाद मैं इसको वापस से लिख दूंगा टेस्ट एसी, और यहाँ पे 007, और ये टेस्ट एसी 007 मैंने ऐसे मतलब टेस्टिंग पर्पज से नॉर्मल लिख दिया है, ठीक है। आप लोग ग्रुप की जो लिंक है वो थोड़ी सही बनाना, यूनिक बनाना, अच्छी बनाना, क्योंकि आप लोग अपने प्रोफेशनल काम के लिए कर रहे हो, मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ओके। तो चलिए इतना हो गया, अभी हम लोग इसके ऊपर ऐसे टिक कर देते हैं, इस जगह पे वापस से टिक कर देंगे, उसके बाद हमारा ये जो ग्रुप है वो पब्लिक ग्रुप हो जाएगा, ओके। बहुत बढ़िया, अभी हम लोग बैक कर लेंगे और बैक कर लेंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने ग्रुप के अंदर बॉट को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। बॉट कैसे ऐड करेंगे, आप लोग सर्च पे चले जाइएगा, सर्च पे जाने के बाद आपको सर्च करना है ग्रुप हेल्प, और उसके नीचे देख सकते हैं उसका जो सब नेम दिखेगा वो होगा बॉट, और आपको आइकन इस टाइप से दिख जाएगा, तो इसके ऊपर आपको ऐसे टैप करना है। अभी टैप करने के बाद इस जगह पे देखिए मेरे पे रिस्टार्ट आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने एक बार ग्रुप हेल्प बॉट को चेक करके देखा था, पर आप लोगों में यहाँ पे स्टार्ट आएगा, आपको क्या करना है स्टार्ट, मैं रिस्टार्ट पे दबा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देख पाओगे आप लोग कुछ इस टाइप का सेक्शन यहाँ पे आ रहा है, और अगर मैं चाहूँ इसको एक दो बार इस टाइप से स्टार्ट पे दबा दूँ, या फिर आप लोग भी स्लैश स्टार्ट लिख के ऐसे दबाओगे तो कुछ इस टाइप का आपको ऑप्शन वहां पे देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, अभी ये बोल रहा है कि भाई आपको कौन से ग्रुप को मुझसे मैनेज करवाना है, कौन से ग्रुप पे मुझे लगाना है। तो आप लोग बोलोगे कि मैं, मेरे पास एक ग्रुप है उसके ऊपर तुमको लगाना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे एड मी टू अ ग्रुप, ठीक, आपके काम का सिर्फ ये है, ग्रुप्स चैनल और ये सारी चीजों के बारे में मैं आगे बता दूंगा आपको, उसकी चिंता ना करिएगा। आपको सिंपल से इसके ऊपर ऐसे टैप करना है, तो आपके पास जो भी ग्रुप होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होने लगेगा। मेरे पास एक ही ग्रुप है, हम लोगों ने एक ही ग्रुप बनाया है, तो यहाँ पे आ गया, इसको ऐसे मैंने टिक किया। अभी क्या है कि ये काफी सारी परमिशंस के बारे में भी पूछ रहा है, ये आ गया है ग्रुप के अंदर, ऐड आप जैसे टिक करोगे टिक हो जाएगा, बट सबसे पहले ये पूछ रहा है कि ग्रुप के अंदर आने के बाद आप मुझे कितनी पावर देना चाहते हो कि मैं ग्रुप के अंदर क्या क्या चीजें मैनेज करूं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला ग्रुप को मैनेज करने का, चलिए ठीक है, चेंज ग्रुप इन्फो, जो हमारे ग्रुप के इन्फॉर्मेशन है उनको चेंज कर सकता है क्या, बिल्कुल, मैंने देखिए सब पे टिक लगा रखा है, क्यों, क्योंकि भाई जब एक बॉट आप ऐड करते हो वो भी एडमिन की पावर दे करके, तो उसको ज्यादातर चीजों की भाई हमें देनी पड़ती है चीजें, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। तो ये डिफॉल्ट में इसमें चीजें लगी हुई हैं, आप लोग भी इसको लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे देख सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में भी आपको इन फ्यूचर बता ही दूंगा। वैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप पढ़ के खुद भी समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं, बट अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम लोग बता देंगे। फिलहाल के लिए जितनी भी टिक्स लगी हैं उनको लगे रहने दीजिए आप लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज आ रहा है कस्टम टाइटल, अगर आप लोग चाहो तो ये जो ग्रुप हेल्प बॉट है इसका एक कस्टम सा नेम भी रख सकते हो।
तो मैं यहाँ पे रख दूंगा नेम रैट, ठीक है, रैट रख दे रहा हूं। और रैट रखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिख के आ रहा है एड बॉट एज एडमिन, ठीक है, मैं इसके ऊपर इस टाइप से टिक कर दे रहा हूँ एड बॉट एज एडमिन, और इसको मैंने ऐसे किया और एड एज एडमिन पे मैंने इसे टैप किया, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके ग्रुप के अंदर ये ऑटोमेटिक चला गया है। देख सकते हैं ग्रुप के अंदर कुछ इस टाइप से मैसेज आया एक, ओके, और उसके बाद एक यहाँ पे इन लोगों का कुछ प्रमोशनल चीज आई, और प्रमोशनल चीज आने के बाद इस जगह पे सेक्शन आ रहा है इन ऑर्डर टू सेट अप यूज स्लैश सेटिंग और प्रेस अंडरलाइन बटन, ठीक है। अब इस जगह पे आपको एक सबसे बड़ा ऑप्शन और सबसे मतलब एडवांटेज ये मिलता है कि यहाँ पे आपको कमांड्स के अलावा यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले बटन्स को भी देखने को मिलेगा, तो ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है। तो सेटिंग्स के ऊपर आपको इस टाइप से टैप कर देना है, सेटिंग्स के ऊपर टैप करोगे तो ये बोलेगा कि मेरे जो बॉट है ना, ये बॉट आपसे बोलेगा कि मेरी जो सेटिंग है वो आप लोग कहाँ करना चाहते हो, क्या इसी ग्रुप में करना चाहते हो, या फिर एक मैं आपके लिए प्राइवेट चैट खोल दूं वहां पे हम लोग बात करते हैं। आप चाहो तो यहीं पे कर सकते हो, बट अगर आपके ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो उस जगह पे करना ठीक चीज नहीं लगती मुझे, ओके। तो मैं ऐसे क्या करता हूँ, प्राइवेट चैट में ही खोल लेता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं प्राइवेट चैट, और ये ओपन हो रहा होगा अभी, ये बोल रहा है कि वो जो चैट है उस चैट पे जाने के लिए आपको इस जगह पे टैप करना है, तो मैंने कहा ओके टैप कर देते हैं। और टैप करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये है इसका मेन, ये देख सकते हैं ये है मेन चैट, और यही है इसका सारा का सारा मेन खेल, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ना इसका सारा मेन खेल क्या है। अब ये जो ऑप्शन है ना, इसी ऑप्शन से आप लोग अपने पूरे ग्रुप को मैनेज कर सकते हो, बट क्या है कि एक साथ सारे ऑप्शंस को बताने से ये प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को कि भाई कई सारे ऑप्शंस को वो भूल जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको सिर्फ तीन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, इनफैक्ट मैं तीन ही ऑप्शन के बारे में अभी बताऊंगा इस वीडियो को मतलब खत्म करते करते तक, बट आगे के जो भी ऑप्शन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो और उसकी नेक्स्ट वीडियोज में कवर अप करता चला जाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो जो सबसे पहले मेरे फेवरेट तीन ऑप्शन है और जो आपको ग्रुप को स्टार्ट करने में काफी हेल्प करते हैं वो है सबसे पहले आपका वेलकम मैसेज, ठीक है, वेलकम मैसेज, और यहाँ पे दूसरा ये जो कैप्चर है, ये कैप्चर जो लिखा हुआ है ये हमारा दूसरा ऑप्शन होगा, अभी मैं बताऊंगा कि ये करता क्या है बेसिकली, ओके। और उसके बाद हम लोग एक ऑप्शन इस जगह पे देखने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट मैसेजेस, ये एक अदर का सेक्शन आपको दिख जाएगा, अगर आप लोग इसके ऊपर टैप कर दोगे तो अदर के सेक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं बैन वर्ड्स, ठीक है। अभी अब मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ पहले ऑप्शन के बारे में, फिर हम लोग दूसरे के बारे में सीखेंगे और उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं बैन वर्ड्स के बारे में, ओके। चलिए तो बैक कर लेता हूँ मैं, बैक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग वेलकम, अब ये जो वेलकम वाला टिक है इसके ऊपर हम लोगों ने ऐसे टिक किया और वेलकम पे आने के बाद कुछ इस टाइप का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब ये क्या चीज है सबसे पहले ये समझिए, जब भी कोई इंसान नया ग्रुप के अंदर भाई ज्वाइन होता है तो ज्वाइन होने के बाद मैंने आपको क्या दिखाया था फर्स्ट वीडियो में कि एक मैसेज गया उसके पास, मैंने उस मैसेज के अंदर काफी सारे रूल्स लिख के रखे थे, रूल्स मेरा चले गए, ठीक है, बट वो एक मैसेज था। आप लोग कुछ भी मैसेज, जब भी कोई बंदा ज्वाइन हो आपके ग्रुप में तो उसको क्या सबसे पहला मैसेज मिलना चाहिए, हेलो ज्वाइन ये मिलना चाहिए, या आपके ग्रुप का पूरा रूल के मतलब रूल बुक मिल जानी चाहिए, या फिर कुछ भी मिलना चाहिए, वो आप डिसाइड कर सकते हो वेलकम मैसेज के तौर पे, ठीक है। तो वेलकम मैसेज इसलिए, ओके। अभी यहाँ पे देख पाओगे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, स्टेटस, स्टेटस क्या है वेलकम मैसेज का, वो है ऑफ, मतलब अभी हमारे पास कोई वेलकम मैसेज सेट नहीं है, अभी ऑफ है। अगर मैं इसको टर्न ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे देख पाओगे कि स्टेटस हमारा एक्टिव हो गया है, बट अभी तक कोई भी वेलकम मैसेज हमने सेट नहीं किया है, तो कोई भी आएगा तो उसको शायद कोई मैसेज देखने को ना मिले, ठीक है, ओके। और ये जो मोड है, सेंड द वेलकम मैसेज एट एवरी ज्वाइन ऑफ यूजर्स इन द ग्रुप, ठीक है, ये अभी आपको मोड के बारे में भी यहीं पे पता चल जाएगा, वैसे मोड उतना जरूरी आपको नहीं लगेगा बट मैं अभी दिख जाएगा इसी में, चिंता ना करना, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने इसको एक्टिव कर दिया है, बट क्या वेलकम मैसेज होगा ये भी तो बताना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन कस्टमाइज मैसेज का, इसके ऊपर आप जैसे टैप कर दोगे, देख सकते हो टैप किया मैंने, ठीक है। अब वेलकम के तौर पे आप लोग तीन चीजें भेज सकते हो इंसान को, या तो टेक्स्ट भेज सकते हो,
या तो कोई मीडिया भेज सकते हो, मतलब कोई वीडियो के लिंक या फिर वीडियो भेज सकते हो या फिर कोई यूआरएल भेज सकते हो। ठीक है, मैं सबसे पहले आज के दिन आपको टेक्स्ट बताऊंगा और आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे वीडियोज में, मैं मीडिया और यूआरएल सबका यूज हम लोग लेते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ टेक्स्ट वाला सेक्शन और टेक्स्ट के आगे एक सी लिखा हुआ है। अगर आप लोग सोच रहे होगे कि ये सी क्या है, इसके ऊपर दबा दो तो यहाँ पे लास्ट में जो भी मैसेज आपने लिखा होगा ना वो मैसेज देखने के काम आएगा। बट अभी तक हमारे पास कोई भी मैसेज है ही नहीं, हम लोगों ने अभी तक तो कोई मैसेज लिखा नहीं है ना, तो इसलिए बता रहा है मैसेज इज नॉट सेट। ठीक है, तो बढ़िया। ओके, अभी फिलहाल मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे लोग सोचते हैं कि यार भारी भरकम चीज़ है यार, ये क्या चीज़ है, तो इसके लिए बिल्कुल मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, समझ लो ना, सबसे ज़्यादा आसान यही है। देखो, जब भी कोई बंदा आता है ना, ठीक है, तुम्हारे ग्रुप में घुसता है, ठीक, तो उसके लिए आपको एक वेलकम मैसेज यहाँ पे कस्टमाइज करना है, बस इतना समझ लो। अब आप सोच रहे होगे कि मैं कस्टमाइज कैसे करूँ, ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से सिखाता हूँ कि करना क्या है। अभी आप इन सारी चीज़ों को भूल जाओ, अभी ये सोचते हैं हम लोग कि कोई बंदा एक आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसके लिए वेलकम मैसेज क्या लिखने वाला हूँ। देखो क्या लिखता हूँ, हेलो दोस्त, और इसके आगे हेलो दोस्त के आगे लिखूंगा, या फिर मैं लिख दूँ हेलो और उसके बाद जो भी बंदा आएगा, क्योंकि जो भी ज्वाइन होगा उसको कोई नाम तो होगा ना, कोई भी ज्वाइन होता है तो उसकी आईडी पे कोई नाम तो पड़ा ही होता है ना, चाहे कुछ भी नाम पड़ा होता है कि नहीं तुम लोग बताओ। तो जो है यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो और जो भी उसका नाम होगा वो यहाँ ऑटोमेटिक लिख के आ जाना चाहिए। हेलो के बाद जो उसका नाम होगा वो ऑटोमेटिक लिख के आ जाए, इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टैग्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कई लोगों का दरअसल नाम नेम होता है प्लस उसके आगे एक सरनेम भी होता है, जैसे कि हमजा है और उसके आगे अली है। अगर मेरे टेलीग्राम का नाम है, मेरे टेलीग्राम अकाउंट का नाम हमजा अली है पूरा, और मैं किसी ग्रुप में ज्वाइन होता हूँ तो हमजा अली पूरा वहाँ लिख के जा रहा है। ओके, बट अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हेलो के आगे ये जो खाली नेम है ना, ये जो नेम वाला कमांड है, यहाँ पे देख पाओगे नेम का कमांड है, अगर खाली आप इस नेम के कमांड को टाइप कर देते हो हेलो के आगे सिर्फ, तो आपके जो नाम है उसका जो पहला है, पहला जो हमजा है ना, खाली वो जाएगा वहां पे, ठीक है। और अगर आप लोग नेम सरनेम को टाइप कर देते हो यहाँ पे पूरा, तो हमजा अली पूरा लिख के जाएगा। अभी आप लोग अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको करना कैसे। हेलो लिखा, अब जैसे हमजा ज्वाइन हुए तो क्या है वहां पे हेलो और हमजा अली अगर मुझे पूरा पूरा लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, हेलो के आगे नेम और सरनेम, वो भी इन दो ब्रैकेट्स के अंदर ये खाली लिखना है मुझे, ठीक है। आप ये मत सोचोगे कि यार भैया ये नेम सरनेम लिख रहे हैं और ज्वाइन तो कोई और हो रहा है, ये ऑटोमेटिक उसका नेम उठा लेगा वहां से और इस जगह से रिप्लेस कर डालेगा, ठीक है। ये एक खासियत है इसकी, यहाँ पे देख पाओगे नेम और इसके आगे हम लोग लिख देंगे सरनेम, ठीक है, यहाँ पे लिखा सरनेम, ओके, हेलो नेम और सरनेम, ओके, स्पेस, बहुत बढ़िया। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, हेलो नेम सरनेम को आप लोग अपने दिमाग में मेमोराइज करो हमजा अली से, हेलो हमजा अली, यहाँ पे नेम सरनेम क्या है, हमजा अली, क्योंकि हमजा अली ज्वाइन हुए, या फिर अमन सिंह ज्वाइन होगा तो हेलो अमन सिंह आएगा, आई होप सो कि समझ रहे हो। हेलो नेम सरनेम कैसे हो, मतलब हेलो हमजा अली कैसे हो, और बस इतना ही लिख देते हैं, ठीक है, इतना लिखा। अभी आप लोग अपने मन मुताबिक, ठीक है, अपने मन मुताबिक इसको और भी ये जितने भी टैग्स हैं ना, ये जितने भी यहाँ पे टैग्स आपको दिख रहे हैं आप उनका यूज कर सकते हो। आप सोचोगे कि ये आईडी क्या है, यहाँ पे देख सकते हो यूजर आईडी लिखा हुआ है ना, ये आईडी क्या है, दरअसल हर टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर आईडी नंबर होता है, वो आपके अभी काम नहीं आएगा और उसको शो कराना भी कोई खास वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग आईडी का यूज़ करो, आप लोग यूज़ कर सकते हो नेम का अगर आपको उसका फर्स्ट नेम प्रिंट करवाना है, आप लोग यूज़ कर सकते हो सरनेम का अगर आप चाहते हो भैया खाली उसका सरनेम आए, आप लोग नेम सरनेम का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको करके दिखाया। आप लोग यहाँ पे डेट, जो ज्वाइन की डेट है वो बता सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ज्वाइन की डेट बताना चाहूँ,
हेलो हमजा अली, यहाँ पे नेम सरनेम में हमजा अली आएगा। हमजा अली कैसे हो? और आज की डेट है, आज की डेट आपकी ज्वाइन की डेट में लिख देता हूँ, क्योंकि जिस वक्त इंसान ज्वाइन होगा उसकी आएगी। आपकी ज्वाइन डेट है, अब बताइए क्या यहाँ पे आगे लिखेंगे? अगर आपको डेट प्रिंट करानी है उसकी, बिल्कुल अच्छा, यहाँ पे ये दो ब्रैकेट लगा के डेट, बहुत अच्छा। आप लोग समझ रहे हो धीरे धीरे, मुझे पता है कि एक बार में नहीं आएगा, आपको इसको 10-5 बार ट्राई करना होगा और वो आएगा। यहाँ पे देख पाओगे डेट, और याद रखना सब कोई यहाँ पे कैपिटल लेटर में है, ये मत सोचना कि स्मॉल में मार दो, ठीक है? आपकी ज्वाइन की डेट, और इसको थोड़ा सा स्पेस दे देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? और आप चाहो तो आपके ज्वाइन का टाइम नीचे लिख करके टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है? डेट और टाइम जब वो ज्वाइन करता है वो भी, तब भी मतलब सब लिख के आ जाएगा, वो भी लिख के आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देख पाओगे आप लोग मेंशन है लिंक टू द यूजर प्रोफाइल, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इन फ्यूचर देखेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक जो वेलकम मैसेज है उसके बारे में बता दिया, ओके? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से ऐसे सेंड कर दे रहा हूँ। जैसे सेंड करोगे तो ये जो वेलकम मैसेज का आपका टेम्पलेट है ये सेंड हो जाएगा बॉट के पास। अब बॉट को समझ में आ गया है कि वेलकम मैसेज आपको क्या भेजना है। हेलो, जो भी ज्वाइन हो उसका नेम और सरनेम, और उसके आगे लिख दो कैसे हो। फिर आपका नीचे आ जाएगा आपकी ज्वाइन डेट है, और जो भी ज्वाइन हुआ है उसकी जो ज्वाइनिंग डेट है आज की, जिस दिन वो ज्वाइन किया है ग्रुप आपका, वो डेट आ जाए, ओके? बहुत बढ़िया, ये चीज़ तो सेटअप हो गई। आई होप सो कि आपको इतना बेसिक समझ में आया, अगर नहीं आया तो चिंता ना करना, अभी आगे और भी वीडियोज आ ही रही हैं तो आपको सब समझ में आता रहेगा, ठीक है? फिलहाल मैं बैक कर रहा हूँ, ठीक है? हम लोगों ने टेक्स्ट लगा दिया, यहाँ पे देख पाओगे जैसे ही मैंने टेक्स्ट लगाया टिक मार्क भी आ गया, पहले यहाँ पे तीनों पे क्रॉस होंगे, ओके? अभी आप अगर सी पे दबाओगे यहाँ पे देखो, तो जो हम लोगों ने मैसेज लास्ट में बनाया है ना, वो देखिए मैसेज दिखने लगा है कि नहीं। अब यहाँ पे आप सोचोगे ये विदाउट फॉर्मेटिंग क्या है, अगर आप इसको दबा के देखना चाहो देख सकते हो, विदाउट फॉर्मेटिंग और विद फॉर्मेटिंग, अभी कोई अंतर नहीं दिख रहा है, बट कभी कभी अंतर दिखता है, ठीक है? इस चीज के बारे में भी बाद में देखेंगे। बैक कर लेता हूँ मैं, और बैक कर लेता हूँ मैं, ठीक है? अभी इतना तो हो गया, हम लोगों ने मैसेज तो लिख दिया, अब मैसेज चला भी जाएगा। अभी यहाँ पे देख सकते हो ऑलवेज सेंड है, देख सकते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंड 1 डिग्री ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर फर्स्ट ज्वाइन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है क्या चीज, ऑलवेज सेंड, सेंड फर्स्ट ज्वाइन। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ओनली एट द फर्स्ट ज्वाइन ऑफ यूजर इन द ग्रुप, ठीक है? अब मैं ऑलवेज सेंड पे लगा रहा हूँ कि अगर आपका जो ग्रुप है ना उसके अंदर जब भी कोई ज्वाइन होगा, जब भी अगर लाइन से 10 लोग ज्वाइन हुए तो हर 10 इंसान के लिए बार 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 वो मैसेज जाएगा, ठीक है? आखिर में मैं आपको एक चीज और बता दे रहा चाह रहा हूँ कि जब 10 लोग लाइन से ज्वाइन होते हैं ना और सबके पास ये बार बार मैसेज जाता है, और ये मैसेज तो फिलहाल छोटा है, जब आप काफी बड़े मैसेजेस लिखते हो, जब बड़े मैसेजेस जाते हैं ना 10 लोगों का, तो अजीब सा लगने लगता है ग्रुप। तो आपको हमेशा क्या करना होता है, ज्यादातर टाइम मैंने देखा है, मैं जो यूज करता हूँ, क्योंकि मैं रूल्स को भेजता हूँ, आप वेलकम यहाँ पे भेज रहे हो, है कि नहीं? मैं रूल्स भेजता हूँ, आप वेलकम भेज रहे हो, तो मैं क्या करता हूँ, ये देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है डिलीट लास्ट मैसेजेस का, मैं इसको यहाँ से अलाउ कर लेता हूँ, देख पाओगे आप लोग। अब ये चीज क्या करती है, जब मान लेते हैं 2 लोगों ने ज्वाइन किया, एक हमजा ने ज्वाइन किया, एक सैम, 2 लोगों ने ज्वाइन किया, 2 लोगों पे मैसेज गया, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, डिलीट लास्ट मैसेज में जो हमजा के लिए ये मैसेज गया होगा ना, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, सिर्फ सैम वाला मैसेज वहां पे दिखेगा। फिर सैम के बाद कोई ज्वाइन करेगा तो सैम वाला मैसेज डिलीट हो जाएगा, और जो दूसरा वाला आदमी है उसका खाली मैसेज दिखेगा। आप लोग इसके ऊपर टिक करके देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके, अनटिक करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, सब आप पे, ओके? बढ़िया, चलिए बैक कर लेता हूँ मैं। हम लोगों ने वेलकम का बेसिक समझ लिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब बहुत ही शानदार, चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम लोग यहाँ पे कैप्चर पे आ जाते हैं, ठीक है? अब ये वही चीज़ है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाई थी कि कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है जब तक उसको एक सर्टेन टास्क नहीं वो पूरा कर ले, है कि नहीं? कमाल की चीज़। लेकिन इसको बहुत ध्यान से आप लोग यूज़ करिएगा। कई बार क्या होता है, इस कैप्चर में मैंने देखा एक प्रॉब्लम आ गई थी एक बार
कि जो टास्क मैंने बोला था करने को वो टास्क वहां पे आ भी नहीं रहा था और कुछ आदमी ज्वाइन भी नहीं कर पा रहा था, तो मुझे मजबूरी में एक कैप्चर वाला पूरा सीन हटाना पड़ गया अपने ग्रुप से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से यूज करिएगा, फिलहाल मैं दिखा दे रहा हूँ, एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अभी ये पूछ रहा है कि कैप्चर आपको किस टाइप का करना है। ठीक है, अभी आप लोग सोच रहे होगे कि कहाँ पूछ रहा है यार, मुझे तो कोई पूछते नहीं दिख रहा, तो मैं बता रहा हूँ ना कहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ आप लोग देख पाओगे सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस को अभी हम लोग आगे देख लेंगे। सबसे पहले ये टर्न ऑफ यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको अगर मैं ऐसे टिक कर दूंगा तो ये कैप्चर का जो सेक्शन है ये बंद हो जाने वाला है। समझ गए आप लोग, फिलहाल से मैं इसको एक्टिव कर दे रहा हूँ। अभी सेकंड ऑप्शन है आपका मोड। मोड क्या होता है, जो कैप्चर होता है ना, जो चीज़ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो कई टाइप के इसमें है, जैसे कि बटन वाला कैप्चर, रीकैप्चर है, क्विज है, मैथ है। अब इन सब को आप लोग एक एक करके ट्राई कर सकते हो खुद से। मैं क्या करता हूँ, क्विज वाले पे जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था वो क्विज वाला कैप्चर था, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, क्विज वाले के ऊपर करेंगे। ठीक है, आप लोग चाहो तो इनके ऊपर ट्राई करके खुद से कर सकते हो बढ़िया। ठीक है, क्विज के ऊपर मैंने टिक किया, मोड पे मैं ऐसे बंद कर दूंगा। अभी यहाँ पे वो जो क्विज है उसको कंप्लीट करने का आपको टाइम बताना पड़ेगा कि कितने टाइम में भैया क्विज को कंप्लीट करना है। 3 मिनट, ये सारे मिनट्स में है, ऊपर सेकंड है, तो मैं क्विज कंप्लीट करने के लिए 2 मिनट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ओके, टाइम को मैं ऐसे बंद कर दे रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने क्विज गलत दे दिया तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए, पेनल्टी पे। अब यहाँ पे सजा में देख सकते हैं म्यूट है और यहाँ पे किक है, बैन है। म्यूट लगा दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आप चाहोगे तो आप स्ट्रिक्ट ज़्यादा हो तो बैन और किक भी कर सकते हो, मैं म्यूट पे रहता हूँ। ठीक है, अभी मैं कस्टमाइज कर देता हूँ क्वेश्चन क्विज के लिए और उसके बाद आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेट कैसा है, जैसे हम लोगों ने पिछले देखा था फॉर्मेट ज़्यादातर ऐसे ही रहेगा। तो क्वेश्चन में आप लोग उनका नाम भी यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, मैं फिलहाल क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि एप्पल में वर्ड्स नंबर बताओ, एप्पल में कितने वर्ड्स हैं इसका नंबर बताओ। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे टाइप किया, एंटर कर दिया और मैसेज सेट हो गया। आप इसको एडवांस क्वेश्चन में भी कर सकते हो, उनका नेम वगैरह यहाँ पे टाइप करके कर सकते हो। ठीक है, बट इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि आपके पास एक दूसरा अकाउंट होना चाहिए जिससे कि आप लोग अपने ग्रुप में जाके देख सको कि आपका ये कैप्चर काम कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तब तो बहुत बढ़िया, नहीं करेगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, फिलहाल मैं बैक आ जाता हूँ। ठीक है, और बैक करने के बाद यहाँ पे आंसर्स देखिए, देख सकते हैं आंसर्स। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे देखिए आंसर्स की कैटेगरी कैसे दी गई है। आंसर जो होंगे आपके वो आपको इस टाइप का, ये जो लाइन है ना, ये जो लंबी सी एक लाइन यहाँ पे दिख रही है, ये इमोजीज हैं, बट ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन से सेपरेट करना है आंसर। एप्पल में कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूंगा 5 और उसके बाद मैं एक यहाँ पे इस टाइप से लाइन बना दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 7। ठीक है, यानी कि पहला मेरा आंसर है 5, दूसरा आंसर है मेरा 7। अब आप सोचोगे कि यार आंसर तो दे दिया पर आंसर सही कैसे होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, क्या हम बताएंगे कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि द फर्स्ट आंसर मस्ट बी राइट वन। ठीक है, हमेशा जो भी पहला वाला आप लोग आंसर लिखोगे, जैसे कि 5 मैंने लिख दिया, वो ही करेक्ट माना जाएगा। तो आपको जो पहला वाला आंसर है उसको ही करेक्ट करना है, समझ गए आप लोग ना। तो मैंने 5 इसलिए फर्स्ट लिखा है क्योंकि ये लोग मानते हैं फर्स्ट आंसर राइट होता है, समझ गया ना। ये आई होप सो कि ये आपके दिमाग में जा रहा है। आप चाहो तो इसको मतलब एक से ज्यादा भी कर सकते हो, 7 है यहाँ पे, मतलब कि 9 भी मैं कर सकता हूँ, तो आप लोग इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, इसको मैंने ऐसे किया और यहाँ से मैं सेंड कर दूंगा तो बटन टेक्स्ट सेव हो गया, बहुत बढ़िया। बैक कर देते हैं, अब ये चीज तो हो गई यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट सर्विस मैसेज आ रहा है। ये सर्विस मैसेज क्या होता है आपको ये चीज सबसे पहले मैं बता देता हूँ और इसको मैं एक्टिवेट कर दे रहा हूँ। सर्विस मैसेज क्या होता है कि ये जो आपका कैप्चर का सेक्शन है ना, अच्छा एक काम करते हैं, सर्विस मैसेज को अभी मैं क्रॉस ही कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं सर्विस मैसेज को क्रॉस कर दे रहा हूँ। सर्विस मैसेज को हम लोग लाइव में देखेंगे, जब हम लोग अभी इसमें ज्वाइन होंगे ना तब हम लोग सर्विस मैसेज को देखेंगे।
अभी क्या है कि वीडियो 30 मिनट की हो गई है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दे रहा हूँ और अगली वीडियो में हम लोगों ने जितना भी ये सेटअप किया ना उसका टेस्ट करेंगे, और अगली वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो हमारा ये जो अदर के सेक्शन में ये जो बैन वर्ड वाला ऑप्शन है ये किस टाइप से काम करता है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो में आप लोगों को मजा आया होगा, वीडियो में मजा आया हो तो भाई प्लीज़ 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 चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।